सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन, साथ ही विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के आयोजन को मंजूरी दी। ये देश के हर युवा वर्ग के लिए एक वरदान स्वरूप है, लेकिन इसकी समीक्षात्मक पहलू को भी अवश्य जानना चाहिए, जिससे इसकी प्रासंगिकता की यथार्थ पुष्टि संभव हो सके। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ, तो उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वक्त की मांग भी थी और जरूरत भी कि केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों की भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिलसिले को खत्म किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देकर केवल करोड़ों छात्रों को राहत ही नहीं दी, बल्कि संसाधनों की बर्बादी को रोकने का भी काम किया है। सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले करोड़ों युवाओं के लिए ये एक बड़ी राहत है। इस राहत को इससे समझा जा सकता है कि केंद्रीय सेवाओं के केवल 3 भर्ती परीक्षाओं में करीब 2.5 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। महत्वपूर्ण केवल ये नहीं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अलग अलग नौकरियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, बल्कि ये भी है कि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य होगी, जो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट वन, फिलहाल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी रेलवे और बैंकों के साथ कर्मचारी चयन आयोग SSC के तहत होने वाली भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इसका कारण संभवतः उचित व्यवस्था के निर्माण के साथ हर जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जाना है। जो भी हो, ये व्यवस्था इस तरह से बनाई जानी चाहिए जिससे वह पारदर्शी होने के साथ साथ भरोसेमंद भी बने। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए होने वाली साझा पात्रता परीक्षा इस तरह से होनी चाहिए जिससे उसकी विश्वसनीयता को लेकर कहीं कोई सवाल उठने न पाए, क्योंकि हाल ही के समय में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगे हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए साझा पात्रता परीक्षा की तैयारी के साथ ये भी उचित होगा कि केंद्रीय सेवाओं में रिक्त पड़े पदों को समय रहते भरने में तत्परता का परिचय दिया जाए। जो पद समाप्त किए जाने हैं वह समाप्त किए जाएं, लेकिन शेष रिक्त पदों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले को राज्य सरकारें अपने लिए अनुकरणीय उदाहरण समझें। कुछ ऐसा ही फैसला उन्हें भी लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन, ओके, बाय।